हेलो नेवी मार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडअप क्लासेस में। सो समय हो चुका हमारे साइंस के क्लास का और मैं लेकर के आ गया हूँ ये क्लास आपके साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग न्यूटन के द्वारा दी गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी फेमस और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और इससे संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा और केपलर्स लॉ भी पढ़ाऊंगा। तो बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि जब तक किसी इंसान की लाइफ का कोई टारगेट नहीं होता है ना, तब तक उसकी वो लाइफ बेकार पड़ी हुई है। तो अगर आपके दिल या दिमाग में कहीं भी थोड़ी सी सोचने की क्षमता बनी हुई है, तो इस चीज़ को आप लोग सोचिए कि आपकी लाइफ का टारगेट क्या है। आप लोग ऐसे ही बेकार पड़े रहेंगे जब तक इस चीज़ को लेकर के सोचेंगे नहीं, जब तक आप अपना कोई टारगेट चूज नहीं करेंगे और उस टारगेट के रूप में अपने आने वाली मंजिल को नहीं देखेंगे, यानी भविष्य में आने वाली मंजिल को नहीं देखेंगे। क्योंकि देखिए, एक महान कवि ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है स्टूडेंट्स, हुंकार नहीं जिसके सीने में, हुंकार नहीं जिसके सीने में, वो तूफानों से क्या टकराएगा। लक्ष्य पर मर मिटने को जो है तैयार नहीं, लक्ष्य पर मर मिटने को जो है तैयार नहीं, वो भला अर्जुन कैसे कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताइए आप लोग, जब कभी अर्जुन को कोई टारगेट दिया जाता था, सपोज डैट अगर उससे कहा गया कि आप चिड़िया की आंखों को भेदो अपनी तीर से, ठीक है, तो उसके लिए उस समय पूरी दुनिया भाड़ में चली जाती थी। अर्जुन के लिए उस समय पूरी दुनिया भाड़ में चली जाती थी। उसे दिखती थी तो सिर्फ क्या दिखती थी, उस चिड़िया की आंखें जिसे उसे भेदना होता था अपनी तीर से, सिर्फ उसे अपना टारगेट दिखता था। तो आपको भी यही करना है, आप जब तक अपना एक टारगेट नहीं चूज करेंगे और उस टारगेट के रूप में अपने आने वाली भविष्य की मंजिल को नहीं देखेंगे, तब तक आप मुझसे लिख करके ले लीजिए, कभी सफल नहीं हो पाएंगे, मैं 100% लिख के देता हूँ। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो लगन से कीजिए, अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी लगन से कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो वीडियो पे नए कैंडिडेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज में हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन की थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है, और ये थ्योरी क्या थी कि देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ठीक है, क्या होता है कि जो ये हमारा ब्रह्मांड है ना, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स के साथ क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, क्या करता है, एक फोर्स लगा करके अपनी तरफ खींचता है। और ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ द सेंटर। अब ये फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, ठीक है, तो इस लाइन का जो ये डिस्टेंस है, इस लाइन का जो सेंटर है, ये वाला भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है और खींच रहा है उसको, और ये वाला भी जो है अपनी तरफ फोर्स लगा करके उसे अपनी तरफ खींचता है। तो हमेशा ये फोर्स जो सेंटर की तरफ से होता है लाइनिंग पे, ठीक है, क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के। सपोज डैट इस ऑब्जेक्ट का मास 1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास M2 है, ठीक है, M1 और M2 है, तो वो हमेशा जो ये फोर्स इनके बीच में लगता है, ये हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है, और साथ में इनके बीच की जो दूरी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर होती है, ठीक है, इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के सेपरेशन के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। फोर्स जो लगता है क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल होता है इनके जो है मासेज के प्रोडक्ट के, और साथ में इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ आप लोग समझिए, सपोज डैट हमें पता क्या करना होता है, Fg पता करना होता है, मतलब टोटल कितना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या करना होगा, M1 यानी मास 1 इंटू मास 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में R2 मतलब टोटल डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और इस्तेमाल किया जाता है, जी का, कैपिटल जी का। ये क्या होता है, ये एक साइन है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसकी भी थ्योरी जो है दिया था न्यूटन ने, इसके बारे में बताया था, इसकी वैल्यू बताई थी, अभी मैं आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है वैल्यू बता दूंगा कितनी होती है। तो ये क्या करता है, इस समीकरण को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है। तो ये क्या, हमेशा क्या करता है, इस जो इनके बीच में फोर्स एग्जर्ट होता है M1 और M2 के बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, उस फोर्स को एग्जर्ट करने में, ठीक है, मदद करता है ये। तो चलिए, यहाँ पे Fg क्या है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। M1 और M2 क्या है, ये दोनों क्या है, मासेज के मासेज हैं, ठीक है,
इसके जो है ऑब्जेक्ट वन का मास और ऑब्जेक्ट टू का, ये दोनों मासेज हैं, ठीक है। और साथ में आर क्या है, इनके सेपरेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, इनके बीच की दूरी, जो इनके इन दोनों के जो है ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है, जो सेपरेशन दूरी है वो है। और जी यहाँ का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जी है उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, वैल्यू आप जी क्या होता है 6.67 × 10⁻¹¹। और नोट कर लीजिएगा, इसे हम लोग सिर्फ दो ही अंक तक बोलते हैं, लेकिन ये होता है 6.67430 × 10⁻¹¹, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, m³ × kg⁻²⁻¹, और यस यानी s²⁻², ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, गुरुत्व यानी ग्रेविटी। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, अब ग्रेविटी क्या होती है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है, उनके नियम के अनुसार दो पिंड के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो, सपोज डैट इनमें से कोई एक पिंड पृथ्वी हो, ठीक है, तो इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय कहते हैं, तब जाकर के इस अट्रैक्शन फोर्स के, जस्ट सपोज डैट ये आपकी पृथ्वी है एक ऑब्जेक्ट, और इन दोनों बीच के, इन दोनों के जो है ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तब इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, गुरुत्व कहते हैं, जिससे पृथ्वी क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ, अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, खींचती है। और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है, त्वरण मतलब क्या होती है, गति उत्पन्न होती है इस बल में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, ठीक है, जनरेटेड स्पीड कहते हैं, ठीक है, जो गति उत्पन्न होती है इस फोर्स की, तो इस बल का जो है जो थोड़ी गति हो जाती है इसमें, मान लीजिए कोई भी वस्तु को अपनी तरफ गति के साथ ही खींचेगी, तो जो फोर्स जनरेट होती है इसमें, फोर्स के साथ में जो थोड़ी और गति आ जाती है फोर्स में, वही उसी को हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व यानी ग्रेविटी जो है त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब क्या हुआ, थोड़ी गति, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, सॉरी ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट नहीं है, ये जी है, इसे हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। जिसका मान कितना होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9.8 m/s² होता है, ठीक है, 9.8 m/s² का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब जो आपका गुरुत्वीय जनित त्वरण होता है, जी होता है, स्मॉल जी होता है, ठीक है, वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होता है। अगर वो किसी वस्तु को सपोज डेट पृथ्वी खींच रही है, तो ये जी कभी भी जो है किस पे आधारित नहीं होगा, उसके रूप आकार द्रव्यमान पे आधारित नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या है, जी के मान में परिवर्तन कब होता है, आप लोग इस त्वरण के मान में जो है परिवर्तन कब होता है, सपोज डैट पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर होता है, नोट कर लीजिए। पहला क्या है, जब पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर या नीचे जाते हैं ना, तो जी का मान क्या होता है, घटता है। और जी का मान महत्तम सबसे अधिक कहाँ पे होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पोल पे होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे होता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की घर्षण गति, यानी घर्षण गति मतलब घर्षण गति जो होती है, बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर पृथ्वी की घर्षण गति जो है अगर घटती है, तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का घर्षण गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, और पृथ्वी का घर्षण गति घटने पे जी का मान बढ़ता है। नोट, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय जो उसका एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है, चाल है, मूवमेंट जो उसका स्पीड है, चाल है उसका, तो उसे क्या होगा, अगर वो 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे, तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, अब क्या है, लिफ्ट में पिंड का भार, यदि जो लिफ्ट बिल्डिंग्स में लगी होती हैं उसमें पिंड का भार घटता बढ़ता रहता है, तो वो कैसे घटता बढ़ता है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट कैसे होता है, जब लिफ्ट ऊपर की तरह हो जाती है, ठीक है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो क्या होता है, बढ़ता हुआ प्रतीक होता है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड यानी बॉडी का भार क्या होता है, घटता हुआ प्रतीक होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से, ठीक है, एक पार्टिकुलर स्पीड से क्या होता है, ऊपर नीचे गति करती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। सपोज डैट अगर जो है आपका लिफ्ट नीचे आ रहा है, ठीक है,
और क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस समय क्या होगा, अगर उसकी रस्सी टूट जाए, ठीक है, जो उसका डोरी होता है जिससे वो बन वो क्या होता है, लोहे लोहे के कुछ जो है होता है वो चैन वगैरह, तो अगर वो टूट जाए तो वो क्या होता है, मुक्त रूप से पिंड के साथ में वो नीचे गिरता है। तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है, यही भारहीनता की स्थिति होती है। ठीक है, आगे है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड की उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगी। ग्रहों की गति संबंधित कैपलर्स का नियम अब आप लोग देख लीजिए। तो कैपलर्स का नियम पहला क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त आकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करते हैं। आप लोग देखा ही होगा कैसे करते हैं, ये सूर्य है तो परिक्रमा कैसे करते हैं, ऐसे परिक्रमा होता है, ऐसे परिक्रमा होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, अगला है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी जो होती है वो नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, अगला है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल यानी टी कहते हैं, परिक्रमण काल होता है जितने समय में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, और परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी का स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर के घन यानी आर क्यूब के अनुपाती होता है, अनुक्रमापाती होता है। ठीक है, तो यानी क्या होता है कि जो टी टी का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब के। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है, यानी कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना होता है, 88 दिन होता है। ठीक है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेप्ट्यून का परिक्रमण काल कितना होता है, 165 वर्ष होता है। नोट कर लीजिएगा कि IAUE ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह कौन सा है, वरुण है, नेप्ट्यून है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है, उपग्रह सैटेलाइट्स किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो क्या है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा क्या करती है, हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी का जो है उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सो कैसा लगा आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आए थम्स अप लाइक करके जरूर जाएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।